जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अभी उन्होंने 2017 का जो चुनाव लड़ाया उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में इन्होंने अपनी उम्र 54 वर्ष दिखाई है, जबकि जो विकिपीडिया उसमें इनकी उम्र दिसंबर 1960 में इनका बॉन्ड है इस हिसाब से 56 वर्ष से अधिक इनकी उम्र होती है। दूसरा जो ढेंचा बीज घोटाला जो माननीय उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ एक जनहित याचिका लंबित है, इनको नोटिस भी जारी हुए, उसको कहीं भी इन्होंने दर्शाया नहीं कि मेरे खिलाफ ढेंचा बीज घोटाले में मैं इसमें अभियुक्त हूँ, मैं इसमें दोषी हूँ। लेकिन इतने बड़े तथ्य छुपाने के बाद ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी इन्होंने पिछले महीने भी अपना जन्मदिन मनाया, कभी 3 अक्टूबर को मनाते हैं, कभी 20 अक्टूबर को मनाते हैं। इवन मोदी जी ने भी इनको ट्वीट करके बधाई दी है जन्मदिन की, जब इनका दिसंबर में बॉन्ड है, 54 जो 2014 का उपचुनाव है उसमें भी इन्होंने अपनी उम्र को 54 वर्ष लिखा है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। और दूसरा जो ढेंचा बीज घोटाले को न दर्शा करके इन्होंने कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है उसको भी अंधेरे में रखने का काम किया। और अभी जनसंघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जो डायरेक्टर जनरल हैं निर्वाचन आयोग के श्री दिलीप शर्मा जी, उनसे हम मिले थे, पूरा हमने उनको उन्होंने इस पर संज्ञान भी लिया है और उन्होंने कहा कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ प्राथमिकी बनती है, इनकी जो नॉमिनेशन है वो फॉर्म भी रद्द हो, इनका जो नॉमिनेशन का जो सदस्यता है ये भी रद्द हो सकती है और इनको हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से डिबार भी किया जा सकता है, ये व्यवस्था है। तो अभी जनसंघर्ष मोर्चा इसमें चरणबद्ध तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो कारनामे इनको उधेड़ने का काम करेगा और जनता के सामने सच लाने का काम करेगा। एफआईआर भी निश्चित तौर पर एफआईआर भी इनके खिलाफ होगी और हम इसमें भी एफआईआर कराएंगे इसमें, क्योंकि इन्होंने निर्वाचन आयोग को गुमराह करने का काम किया, इन्होंने फर्जीवाड़ा और ये धोखाधड़ी की है, तो अपने आप में बहुत बड़ा ये आपराधिक षड्यंत्र है, धोखाधड़ी है और गुमराह करने वाला है।